अगर आप बोर हो गए हो वही नॉर्मल चिकन करी खा के, तो एक बार दोस्तों ये इंडिया से बाहर की चिकन करी ट्राई करके देखो, हमारे पड़ोसियों की। आपकी नॉर्मल कोई भी चिकन करी से इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है, और इसका बनाने का तरीका भी बिल्कुल यूनिक है दोस्तों। अरे कितना सही लग रहा है, ये तो कितना सॉफ्ट बना है यार। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों यहां पर तैयारी करके रखते हैं, तो तैयारी के लिए मैंने यहां पर 3 हाइब्रिड टमाटर लिए हैं, और थोड़ी सी आसानी करने के लिए, क्योंकि हम प्रोफेशनली तो बना नहीं रहे, तो मैंने यहां पर टमाटरों को आधा काट दिया है और उनकी रूट निकाल दी है। फिर मैंने यहां पर 2 प्याज लिए हैं और उनको जितना पतला हो सकता है उतना फाइनली स्लाइसेस कर दिए। ऐसे फाइन करने का एडवांटेज ये होगा कि ये पूरे गल जाएंगे, पूरी सी ग्रेवी बढ़िया बन जाएगी। अगर मोटे मोटे रखोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा और टेक्सचर में भी डिफरेंस आ सकता है। आप देखो कितने पतले रखे हैं मैंने, है ना, एकदम पतले से। यहाँ पर आप 8-10 लहसुन लेना और उनको अच्छे से कूट लेना, और कूट के जब उसका पेस्ट मिल जाएगा ना, तो उस पेस्ट को आप यहाँ पर 1 कप पानी में डाल के रख देना। लगभग 10-15 मिनट के लिए आप रखोगे तो पानी में लहसुन का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। अब यही प्रेपरेशन थी, सीधा ही चलते हैं कुकिंग पे। तो मैंने कुकर लिया और कुकर में मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन डाला। एकदम साफ करके धो के डालना, और हो सके तो चिकन को एकदम ड्राई कर देना, क्योंकि अगर गीला चिकन होगा तो वो पानी बहुत ज़्यादा ऐड कर देगा। इसके साथ साथ आप टमाटर डाल देना, प्याज भी डाल देना, साथ में अदरक के लच्छे हो तो बढ़िया है। मैंने 1 चम्मच तक लाल मिर्च डाली है, 1/2 चम्मच तक हल्दी, और 1 बड़ा चम्मच नमक का डालना। और फिर यहाँ पर वो जो लहसुन का पानी बनाया था ना, 1 कप डाल देना। 1 कप से ज़्यादा मत डाल देना दोस्तों, अगर ज़्यादा पानी हो गया ना तो आपको मज़े आ जाएंगे बनाते बनाते, और आपका चिकन पूरा पकाते हुए ही टूट जाएगा। ये टेक्निक है ही थोड़ी डिफरेंट। सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिलाना, और अब आप देखना कितनी इंस्टेंट रेसिपी है, और चिकन कैसे गला होगा ये देखकर तो आप एकदम शॉक्ड हो जाओगे। हाई फ्लेम पर कुकर को रखना है और बिल्कुल घड़ी से देखकर 10 मिनट तक पकाना है। अगर इस 10 मिनट में एक सीटी भी आ जाए तो भी बढ़िया है, पर जैसे ही सीटी बजने लगे या 10 मिनट पहले हो जाए, फटाफट से आप गैस को बंद करना और जितनी हवा होगी ना, और उस सारी हवा को निकाल देना चाकू से, और बस चिकन गल जाएगा। सच में दोस्तों चिकन पक जाएगा। अब आता है मेन पॉइंट इस रेसिपी का। आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पर ऐसा एक बड़ा बर्तन भी ले सकते हो, खुला बर्तन हो तो बहुत ही बढ़िया है। जब कमर्शियली ये रेसिपी बनाई जाती है तो उसमें एक ऐसे खुला सा बर्तन लेते हैं, क्योंकि जितना खुला होगा उतनी जल्दी पानी गायब हो जाएगा, और अगर इसको बहुत देर पकाएंगे तो चिकन तो पकाते पकाते पूरा टूट जाएगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप ऐसा एक बड़ा सा बर्तन ले सकते हो, ऐसा फैला हुआ बर्तन भी चलेगा, लेकिन ये लोहे का नहीं है तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा। बेस्ट मेरे हिसाब से जो आपके घर में होगा जरूर, वो है दोस्तों लोहे की कढ़ाई। ये कढ़ाई में आपका काम भी बिल्कुल आसान हो जाएगा, हाँ लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन आपका काम बढ़िया हो जाएगा। तो मैंने तो यही लोहे की कढ़ाई का यूज किया है, इसको हाई फ्लेम पर रखा है, और जैसे ही कढ़ाई एकदम गर्म हो, गरम गरम कढ़ाई में ही आप यहाँ पर चिकन को ट्रांसफर करना। देखो आपको लग रहा होगा कि अभी पानी थोड़ा सा ज्यादा है, तो मेरे कहने पर ऐसी ही करछी यूज करना, क्योंकि ऐसी ही करछी यूज करी जाती है, इसे चलाते वक्त आपका चिकन टूटेगा नहीं। इस टाइम पर ही आप यहाँ पर टमाटरों से उनके छिलके निकाल लेना, सारे टमाटरों से निकालना दोस्तों, और उनको हल्का सा क्रश जरूर कर देना इस टाइम पे, ताकि पकते पकते वो पूरे गल जाएं। और बिल्कुल आराम आराम से एकदम हाई फ्लेम पर यहाँ पर कुकिंग करना। जितनी जल्दी आपका पानी उड़ेगा उतनी जल्दी ही ये ग्रेवी बनेगी, और तभी मैंने बोला था ज्यादा पानी मत डालना बिल्कुल भी। अच्छा बता देता हूँ, जैसे ही 50% आपका पानी रिड्यूस हो जाएगा तो आप यहाँ पर छोटी छोटी बोरिया मिर्ची, ये मिले तो आप डालना, नहीं तो नॉर्मल सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हो, वो भी चलेगी। हरी मिर्चें डाल देना ऐसे कटी हुई, अदरक के लच्छे डाल देना थोड़े से, और इसी टाइम पे आप 1 चम्मच धनिया पाउडर डालना, साथ साथ 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर डालना। ये आपके पानी को जल्दी रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करेंगे। इन सबको पकाते पकाते इस बात का ध्यान जरूर देना कि जो ये साइड की खुरचन होती है ना, वो ही मेन टेस्ट है। इसको आपने घिस घिस के मिलाना है पूरी ग्रेवी में। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे और आपका लगभग 60% तक पानी एकदम गायब हो जाएगा। देखो ये कढ़ाई है तो इसमें आपको पानी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में इतना पानी है नहीं। तो जब 60% पानी गायब हो जाए तो उसी स्टेज पर अब आप यहाँ पर डाल देना 1/4 कप देसी घी। ये वैसे तो घी में भी बनाया जाता है, तेल में भी बनाया जाता है, और मेरे दिल्ली वालों का फेवरेट बटर में भी बनाया जाता है।
मैं यहाँ पर घी का ही यूज़ कर रहा हूँ, और वैसे तो डबल क्वांटिटी घी यूज़ होती है, लेकिन 1/4 कप काफ़ी है। थोड़ी देर आप पकाओगे ना, ध्यान बस ये देना कि इसको बहुत ज़्यादा मत चलाना, हाई फ्लेम पर पकने देना, लोहे की कढ़ाई अपना काम खुद ही सारा कर देगी। जब पानी लगभग 90% बाय बाय बोल चुका हो, तो बस उसी टाइम पर अब आप डालना 1/4 कप दही, और दही डालने के बाद गैस को फटाफट से पहले लो फ्लेम पर कर देना, फिर सब कुछ मिलाना आराम से। आपकी हल्की सी ग्रेवी भी बन जाएगी, और ये चिकन करी अब बिल्कुल सिमर करनी है आपको। तो अब एक फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं, जो कि आपको दही के बाद ही डालना है, पहले बार डाल देना। मैंने काली मिर्च ली है और उसको बिल्कुल फ्रेश कूटा है, और दरदरी होगी तो बढ़िया टेस्ट आएगा। बिल्कुल दोस्तों इसी टाइम पर डालना जब दही लगभग पकने ही वाली हो, और भूलना मत वो जो साइड की खुरचन है ना उसको निकालना बहुत जरूरी है, खुरच खुरच के पूरी निकाल देना, सारा फ्लेवर इसी में ही है। इस टेक्निक से जब आप चिकन को पकाते हो ना, तो चिकन एक्चुअल में इतना सॉफ्ट हो जाता है कि चलाते चलाते ही पूरा टूट सकता है। पर आप देखो मेरा चिकन बिल्कुल भी नहीं टूटा है, एकदम सही तरीके से पका है। और हाँ, एंड में एकदम लास्ट में जब दही से पानी लगभग सारा उड़ जाए, तो आप डालना यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चे, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा अदरक, और बस दोस्तों लाहौरी चिकन बन के पूरा तैयार है। एकदम यूनिक टेस्ट, एकदम यूनिक टेक्सचर, और चिकन ऐसा बनता है कि टच करोगे ना तब भी अलग हो जाएगा, है ना मजेदार। आप बना कर देखना, बहुत ही बढ़िया लगेगा।